नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एमसीबीएसई नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के 2022 सेशन से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, जो एग्जाम पोस्टपोन्ड होने के काफ़ी सारे वीडियोज ऐसे यूट्यूब पे बनाए जा रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आपका एग्जाम है वो 100% पोस्टपोन्ड किया जाएगा। तो विगत दो दिनों से आपके काफ़ी सारे मेल भी प्राप्त हुए, आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, टेलीग्राम पर भी, और वीडियोज़ के कमेंट में भी आपने इस तरह के इश्यू से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो मैंने दोस्तों एम्स के जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है par.ems.bscmsc@gmail.com, इस पर भी मैंने इनसे मेल करके कांटेक्ट किया, और जिनके टोल फ्री नंबर है उन पर भी कांटेक्ट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पैरामेडिकल का भी अलग से मेंशन किया था और बीएससी नर्सिंग का भी, तो दोनों का बिल्कुल सेम रेस्पॉन्स आया इनकी तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो एम्स बीएससी एमएससी से रिलेटेड जो आपकी ईमेल आईडी थी, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, तो डियर कैंडिडेट द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज पर द शेड्यूल गिवन इन द वेबसाइट, जो प्रोस्पेक्ट में आपका दे रखा है और वेबसाइट पे जो आपका शेड्यूल दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम होगा, कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एम्स का जो सेशन है वो आपका अगस्त में आपका स्टार्ट हो जाती है, जो क्लासेज है वो 1 अगस्त से स्टार्ट कर दी जाती है। आपका 18 जून को बीएससी नर्सिंग का है और 25 जून को आपका पैरामेडिकल का है, तो आपका 2 दिनों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद में आपका जून में ही, जून के लास्ट तक या आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो आपका 1 महीने का समय रहेगा, उसमें आपकी जो सारी काउंसलिंग प्रोसेस है, मोपअप राउंड होना है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग या ओपन राउंड काउंसलिंग, सीटें वैकेंट रही तो, ये सारी प्रोसेस आपकी जुलाई मंथ में कंप्लीट करवा ली जाएगी और 1 अगस्त से आपके जो सेशन है, क्लासेज हैं, वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। पिछले साल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पिछले साल कोविड एक इश्यू था, कोविड की वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर मंथ में आपका कंडक्ट करवाया गया था, तो इस वजह से प्रीवियस ईयर आपका लेट हुआ था एग्ज़ाम। लेकिन इस बार इस तरह कोई भी इशू नहीं है, कोई भी जेन्युइन रीज़न नहीं है। स्टूडेंट्स का ये ज़रूर कहना है कि हमें समय कम मिला है, जबकि एम्स के द्वारा एक टेंटेटिव शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया था, जिसमें आपकी 4 जून की डेट दी गई थी कि आपको 4 जून का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब कि जून का जो एक टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया था। तो आप दोस्तों इस चक्कर में ना रहे, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो तय समय आपका जो शेड्यूल में दिया गया है डेट, उसी डेट को ही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। मेरा ओपिनियन अगर माना जाए तो 99% चांसेस है कि जो डेट दी गई है उसी डेट को होगा। 1% एक्सेप्शनल हो सकता है, कुछ भी ऐसे अर्थक्वेक वगैरह या कुछ भी ऐसा हो सकता है, 1% में कह नहीं सकता, लेकिन 99% आपका जो डेट दी गई है उसी डेट को ही आपका एग्जाम है कंडक्ट करवाया जाएगा। और दोस्तों, ये आपके पास में जो टाइम है इसको सही यूटिलाइज़ कर लीजिए। इस टाइम को अगर आपने सही यूटिलाइज़ कर लिया तो आप एम्स, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में अपना जो सुनिश्चित कर लेंगे सिलेक्शन। अगर बीएससी नर्सिंग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 15 दिन बचे हैं, पैरामेडिकल के लिए ऑलमोस्ट आपके 20 दिन बचे हैं। ये आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डेज हैं। इन जो आपके डेज बचे हैं, जो समय बचा है, इसको आप इधर उधर की बातों में या सोच विचार करने में टाइम वेस्ट ना करें। जो भी इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आपके लिए अगर कोई भी वीडियो यूजफुल हो तो आप उसको देख लीजिए, अदरवाइज आप अपनी स्टडी पे ही फोकस कीजिए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपके स्टडी के लिए ऑब्जेक्टिव ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, और प्लस मॉक टेस्ट पेपर लास्ट टाइम। इन दोनों को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, 100% आप अपना सिलेक्शन निकाले जाएंगे। बाकी आप भी डिपेंड करता है, थ्योरी रीड करने की आवश्यकता नहीं है अभी। थ्योरी केवल जो मॉक टेस्ट पेपर में आपको जो क्वेश्चंस आपको लगे कि इनके आंसर नहीं आ रहे, केवल उन्हीं की ही थ्योरी पे आप फोकस कीजिए। बाकी आप ऑब्जेक्टिव पे जितना ज़्यादा उसके उतना फोकस करें, और मॉक टेस्ट पेपर दोनों को अच्छे से आपको फॉलो करना है। 15 दिन का समय बचा है, 20 दिन का पैरामेडिकल का है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपका 11th का 12th का कंप्लीट सिलेबस किया गया है। चैप्टर वाइज है दोस्तों, इसमें जो आपके 96 चैप्टर हैं, सारा चैप्टर वाइज इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, तीनों लेवल के क्वेश्चन कंपाइल किए हुए हैं। हिंदी मीडियम के लिए आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। मॉक टेस्ट पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 10 सेट पेपर आपके इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए हैं और 5 सेट पेपर हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए है। लाइटली बिल्कुल भी ना लें, दोनों ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप किस तरीके से अपना सिलेक्शन निकालना चाहते हैं। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर ही दोस्तों मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, और जिन स्टूडेंट ने हमारे गाइडेंस को अच्छे से फॉलो किया है
वो एम्स के विभिन्न इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सके हैं। आप भी उस श्रेणी में आना चाहते हैं तो ये चीज़ें फॉलो करें, बाकी आपकी इच्छा है। अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इसमें अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी जिसके आपके पास पासवर्ड हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग लिंक है और हिंदी मीडियम के लिए अलग है। इसी तरीके से जो मॉक टेस्ट पेपर है उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। तो जो फाइल आपके पास में डाउनलोड होगी मॉक टेस्ट पेपर की, उसमें सारे जो मॉक टेस्ट पेपर है उनके लिंक आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, उन लिंक्स को आपको कॉपी करना। जैसे आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर देना है तो उसके लिंक को कॉपी करके आपका जो ब्राउजर है उसके यूआरएल बार में आपको पेस्ट कर देना है, आपका मॉक टेस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लास्ट में सबमिट का बटन आपको प्रेस करना है, वहाँ पे आपके कितने करेक्ट हुए हैं कितने इनकरेक्ट हुए हैं वहाँ एनालिसिस कर सकते हैं। जो इनकरेक्ट हुए हैं, जिसकी थ्योरी में आपको इश्यू आ रहा था, उसकी आप थ्योरी जाके रीड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट पेपर में से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एजेडिस देखने को मिलेंगे और उन्हीं के इर्द गिर्द ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन निकाले जाएंगे आप दोस्तों। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कमेंट बॉक्स में पूछें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा और मेरे जो पर्सनल टेलीग्राम आईडी है @SC007 इस पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपका जो पोस्टपोन्ड से रिलेटेड जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।